प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस समय आप अपना अंग्रेजी का पेपर देकर आ चुके होंगे। देखिएगा अंग्रेजी का पेपर पूरा का पूरा जैसा मैंने बताया था उसी प्रकार का पूरा आया है। आप सभी लोगों ने मिलान करके भी देख लिया होगा। अब देखिएगा आपका जो अगला पेपर है हिंदी विषय का है, तो हिंदी का भी पूरा का पूरा मेरे द्वारा जैसा पेपर बताया जाएगा इसी प्रकार का कक्षा नौवीं का हिंदी का आपका पेपर बनकर आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ से अपने हिंदी के पेपर को पूरा देख जाएँ। देखिएगा हिंदी का पूरा आपका जो पेपर है ना, कुछ इस प्रकार का होने वाला है। आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो हिंदी का पेपर होगा ना, उसमें आपसे टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या 8 होगी, पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो यहाँ से आप लोग अपने हिंदी के पेपर को देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाएंगे और उन सभी का सोल्यूशन भी मेरे द्वारा यहाँ से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जरूर जाए, जिससे कि आप सभी को कक्षा नौवीं की त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा नौवीं की त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का पेपर कैसा होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा नौवीं की त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सोल्यूशन को आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और कक्षा नौवीं हिंदी विषय के सोल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा आपका जो पेपर होगा ना, उसमें 23 क्वेश्चन कुल पूछे जाएंगे, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। A to Z चीज़ें सारी की सारी आपसे इस प्रकार से पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे। आप सभी लोगों ने जो पेपर आपका मैंने बताया था उसी प्रकार का आप लोग करके आए होंगे अंग्रेजी विषय में, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग त्रैमासिक में अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे। क्योंकि देखिएगा मेरे द्वारा आप सभी को कक्षा नौवीं की त्रैमासिक परीक्षा के लिए दो पेपर बताए गए थे। अगर आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे तो एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं गया है। आप सभी मिलान कर सकते हो। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये रियल पेपर नहीं है। देखिएगा मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रियल पेपर हम YouTube पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। मगर रियल पेपर कर को ही हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं जिससे कि आपको मतलब क्वेश्चन वही आए मगर क्वेश्चन का क्रमांक थोड़ा सा चेंज हो। तो देखिएगा क्वेश्चन तो वही होंगे, सिर्फ उनका क्रमांक चेंज होगा, आगे पीछे क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस पेपर को भी पूरा देख जाए। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रहा आपका कक्षा नौवीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसको कि आज हम पूरा यहाँ से अलसहित देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिएगा इनको कहते हैं मेहनती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण छाटिए। इनमें से विशेषण छाट कर आपको बताना। तो देखिएगा इसमें विशेषण हो जाएगा आपका गर्म गर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण वा का उच्चारण स्थान है। तो देखिएगा इसका उच्चारण स्थान होगा दंत प्लस ओष्ठ। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक संस्थान नासा किस देश में है। तो देखिएगा ये अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, एक दिन भुज का पाठ के लेखक किससे बात करता है। तो ये डायरी से बात करता है। अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा, तो पुत्र के शिक्षक के नाम पर लिखा था। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर मैंने आपको हिंदी का बताया था ना, ये अंग्रेजी का बताया था ना, उसी प्रकार का पूरा आपका हिंदी का भी बसने वाला है। आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पूर्ति आपको कैसे कर लेनी है। पहला क्वेश्चन लिखा, दो शब्दों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपये की राशि एकत्रित की। तो इस जगह पर करोड़ों लिख लेना है। सतपुड़ा के घने जंगल, ये कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी। तो देखिएगा इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी, सुमित्रा नंदन पंत ने नहीं लिखी थी। इस जगह पर आपको क्या लिखना है, भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाभ हानि का विलोम है। तो देखिएगा लाभ का विलोम क्या होगा, हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसावट शब्द में प्रत्यय है। तो देखिएगा इसमें आवट प्रत्यय होगा। सूरज का चारों ओर बिखर रहा है, क्या बिखर रहा है, तेज। तो ये वाला तेज लिखना आपको। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी दी जाएगी। जोड़ी का मिलान भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे और पूरा इसको हल करना सीख लेंगे। टोटली मेरे द्वारा यहाँ से आप सभी को पूरी की पूरी जोड़ी का मिलान भी बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। A to Z सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। कैसे पूछी गई जोड़ी, आप लोग यहाँ से देख लें। पीर की मजार। पीर की मजार किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं सूफी संतों की दरगाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेलन केलर। हेलन केलर की जोड़ी आपको स्वावलंबी महिला से मिलान कर लेनी है। राह के पदेन, राह के रूप। तो देखिएगा रेप एवं पदेन, इस प्रकार से आप लोग देख लें।
अनुस्वार की जोड़ी अम से मिलान कर लेनी है, कारक चिन्ह की जोड़ी विभक्ति या परामर्श से मिलान कर लेनी है, आकाश शून्य खगोल मंडल इसकी जोड़ी आपको अंतरिक्ष से मिलान कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन जो आपके हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 में, उन सभी का सोल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है ना उन सभी का सोल्यूशन आज मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। तो देखिएगा आप इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो प्यारे विद्यार्थियों क्या दिया गया है, आप सभी लोग इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पेपर तो आपके पास में भी यही वाला आएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप असली पेपर नहीं बताते हो, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों असली पेपर नहीं दिखा पाना ये हमारी मजबूरी होती है, मगर असली पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो तो पूरे के पूरे हमारे द्वारा दिखाए जाते हैं। सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि जैसे मैंने आपको ये बताया एक वाक्य में उत्तर में, अब ये गलती से आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 में, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिएगा कोई क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा कंठ में उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए, अब ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप लोग इतना तो अंदाजा लगा सकते हो। क्वेश्चन तो कम से कम मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं। आप लोगों ने अंग्रेजी का पेपर दिया, अगर आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से गलत नहीं गया है, पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो। ललिता वाला पेसेज भी आपका पेपर में आया है, आप सभी लोगों को पता अच्छे से। तो देखिएगा सारी की सारी चीज़ें इसी प्रकार से आपसे त्रैमासिक में पूछी जा रही है, जिस प्रकार से कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, आंतरिक्ष यात्री कौन थे, वैज्ञानिक थे। अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा, 10-5 पुत्र जन्माएगा। अगला क्वेश्चन, 5 ने बड़ी रूसी से कौन सी चीज़ खाई, तो देखिएगा मेहमान ने बड़ी रूसी से कौन सी चीज़ खाई, तो भुजिया बर्फी लड्डू खीर पूड़ी आदि खाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सुरक्षा के जवानों को कौन सी दौड़ कराना था, तो देखिएगा इनको दौड़ कराना था रन फॉर यूनिटी मैराथन। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता, तो देखिएगा नल कुआ हैंडपम्प आदि से पानी प्राप्त होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, पंडित तलोपीदीन कौन थे, तो ये एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें की लिखा गया सत्य असत्य बताइए, सत्य असत्य कैसे बताने हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, वंशीधर को नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई, बिल्कुल सत्य होगा। डॉक्टर कलाम के बचपन के दोस्त थे रामन व अरविंद, बिल्कुल सत्य होंगे। अगला ये जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा ना, पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। 28 फरवरी 1900 देखिएगा ये जनवरी में हुआ था, 28 जनवरी में, ना कि 28 फरवरी में। अगला देखते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35 है, तो देखिएगा ये भी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लिखा है ये भी आपका असत्य है। छठा क्वेश्चन ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ से आप लोग इनको देख ले क्वेश्चन नंबर 6-7, और देखिएगा बाकी के जो क्वेश्चन दिए गए ना इनका फुल सॉल्यूशन बनाकर मेरे द्वारा अपलोड कर दिया गया है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जो पेपर होगा ना, पेपर तो यही होगा, पेपर तो बिल्कुल यही का यही होगा, मगर इसमें आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो नंबर चेंज होंगे। यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं बता रहा हूँ आपको कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 में मिल सकता है, 12 में मिल सकता है, किसी पे भी मिल सकता है, मगर ये यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो यार आपको क्वेश्चन से मतलब है कि पूरा पेपर ऐसे मिलाना है, आप स्वयं लोग समझ सकते हो। आपको मैं पूरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, इनके आंसर भी बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग क्वेश्चन से मतलब रखो, पेपर से मतलब मत रखो, क्योंकि पेपर तो थोड़ा सा चेंज जरूर आएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि पूरा पेपर हम आपको यूट्यूब पर ऐसा कैसे नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमारी भी मजबूरी है, मगर आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको जरूर पूरा हम बता सकते हैं। क्योंकि देखिएगा थोड़ा सा फेरबदल करके हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप सभी का काम भी हो जाए, जिससे कि देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इनको देख ले, सतपुड़ा के घने जंगल, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन ये लिखे गए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से पूरे के पूरे पेपर को नोट कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन ये। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।